अभी ओवरकम द टेस्ट ऑफ एजिलिटी एट रिस्टोर्ड रील्स। अभी मुझे रिस्टोर्ड रील्स तक पहुंचना है। मैप पे बस ये वाले इसके आसपास है। ये है टाइम ट्रायल। एक स्पेसिफिक टाइम दिया गया जिससे मैंने ये करना है। इजी है ये क्वेस्ट, बस कोई वो ना कर देना, क्वेस्ट कर देना दे, ये प्रॉब्लम है ना। ये क्वेस्ट हो गया। तो गाइस ये रहा वो स्ट्रेंथ ट्रायल ट्रायल हाँ वही ट्रायल, डिस्ट्रॉय स्ट्रक्चर्स। ये स्ट्रेंथ ट्रायल थोड़ी हुआ, ये तो डेमोलिशन ट्रायल हुआ। बस ये कुछ भी डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ और क्वेस्ट हो जाना इजीली। जल्दी करना पड़ेगा, टाइम लिमिट है। अभी एक विजडम ट्रायल के लिए जाना है मुझे, मतलब वही स्क्राइंग पूल पर। तो गाइस मैं वही स्टार्टिंग वाले एरिया पर आ गया, स्क्राइंग पूल पर। अभी तक आया नहीं हूँ, ऊपर क्लाइम करना रह गया बस। यहाँ से विजडम ट्रायल कंप्लीट करना है। वेलकम हीरो, अ फाइनल टेस्ट अवेट्स मॉर्टल, आर यू प्रिपेयर्ड? यस। विच फूड इज मोस्ट अपीलिंग टू द गॉड्स? बनाना पिज्जा डर बर्गर। बनाना, ओ बनाना सही था। आई मीन गुड वर्क। तो गाइज जो मैं बेस्ट रेकमेंड करूँगा ये वाले क्वेस्ट के लिए लोकेशंस, वो है एक तो बॉस हेडिस का एरिया द अंडरवर्ल्ड, और या फिर माउंट ओलंपस और ब्रॉलर्स बैटल ग्राउंड। नहीं बैटल ग्राउंड, बहुत सारे हंचमैन स्पॉन होते हैं तो ये बेस्ट एरिया। फाइनल ओपोनेंट मिल गया, इसके बाद वो कंप्लीट हो जाएगा क्वेस्ट। तो गाइज ये क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो अभी ओरेकल के पास मैं आ गया हेडिस से बात करने। फिर से याद दिला देता हूँ, 4 ओरेकल्स हैं मैच 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 में मैप के अंदर। हेरो हु वुड यू लाइक टू कॉन्टैक्ट? हेडिस, योर मॉर्टल काइंड हीरो, गुड लक विद डैट। If you're so sure you can defeat my brother, prove it. Win a fight against my beloved dog Cerberus. तो guys मैंने gatekeeper shotgun यहीं आके collect कर लिया और वो challenge complete हो गया। अभी बस उसको मुझे 150 damage देना है। तो guys ये quest भी हो गया है। इस अगला quest है beat a character in a duel or eliminate a god. तो पहले तो मैं duel ही करने जा रहा हूँ क्योंकि god वाले बॉसेस को एलिमिनेट करना मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ पे ओपोनेंट्स भी बहुत लैंड करते हैं। तो मतलब जिनसे हम डूल्स कर सकते हैं वो ये जगह, वो तीन जगहें हैं, एक स्नूटी स्नॉट्स, रेबल्स रूस्ट और क्लासिक कोर्ट्स के एकदम ईस्ट वाले होम में। तो जितना तक तो मुझे लगता है मुश्किल तो होते रहेंगे पिछले सीजन में से। नहीं ईजी है ये वाले भी। ले और एकल पर आ चुका हूँ और मुझे लगता है मेरे गली के डॉग्स मुझे वीडियो नहीं बनाने देंगे। कुछ नहीं होता, अभी आगे चलते हैं। हीरो वेलकम, हु वुड यू लाइक टू कॉन्टैक्ट? एरिस, हु डेयर्स चैलेंजेस ज़ूस माइटी पैंथियन? हाँ यू वुडंट नो एन ऑनरेबल बैटल इफ इट स्ल्यू यू वेर यू स्टूड। स्ल्यू का मतलब क्या होता है? प्रूव योर ऑनर, आर्म योर सेल्फ विद माई फेवरेट वेपन एंड प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर कॉम्बैट। इट विल नेवर हैपन ऑफ कोर्स। हाँ हाई क्यों बोला, हा हा बोलता ना। कलेक्टर वॉर फोर्ज राइफल देन विजिट। विजिट क्या था? विजिट द पैंथियन पाथ। तो गाइज अभी पैंथियन पाथ पहुंच रहा हूँ। मैं विंग्स यूज कर रहा हूँ क्योंकि वो ज्यादा इजियर है, मतलब उनको यूज करके ज्यादा इजिली पहुंचा जा सकता है। तो बस यही जो यहाँ स्टैचूज दिख रहे हैं ना दो छोटे वाले, तो बस उनके पास जाना है, मतलब ये स्ट्रक्चर के पास। तो गाइस अभी मैं ब्रॉलर्स बैटल ग्राउंड आ चुका हूँ एरिस को चैलेंज करने के लिए। तो एक क्वेस्ट हो चुका है। तो गाइस सेकंड लास्ट क्वेस्ट है
मतलब उसमें एक मेडालियन कलेक्ट करना है एस्पेक्ट ऑफ द गॉड्स, या फिर मेडालियन कलेक्ट करना बाकी है और ये मिल गया, मतलब एस्पेक्ट ऑफ द गॉड्स मिल चुका है। ओहो, तो गाइस फाइनल क्वेस्ट होने वाला है, ये रहा फाइनल ओरेकल, जहाँ पे मतलब क्वेस्ट का हिस्सा। तो गाइस जैसे मैंने पिछली वीडियोस में बताया है कि ये स्क्राइंग पोल्स ये लोकेशंस पर है, अगर हम क्वेस्ट को वो भी कर ले, मतलब ट्रैक क्वेस्ट कर ले, तब भी हमें वो लोकेशंस दिख जाएगी जहाँ स्क्राइंग पोल्स हो जाएंगे, या फिर जब हम उसके ऊपर हवर करते हैं तब भी वहां पे लिख के आ जाता है एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ, तो इनकी लोकेशन सबको इजीली पता लग सकती है। अभी यहाँ से फिर हमें एफ्रोडाइटिस से बात करनी है स्क्राइंग पूल पे। हीरो, वेलकम। एफ्रोडाइटी कॉल्स। तो गाइज ये हो गया, अभी है डिसाइफर द फर्स्ट ओलंपियन एडिक्ट। तो ये वाली की लोकेशन है यहाँ पे जहाँ पे एफ्रोडाइटी स्पॉन होती है, तो अभी हमें उस लोकेशन पे जाना है। तो गाइज ये इस लोकेशन पे है, ये जो ये रेड ग्लोइंग चीज है इसको बस कलेक्ट करना है और ये क्वेस्ट हो देगा। अभी अगला क्वेस्ट है कलेक्ट फ्लो बेरीज एट फेंसिंग फील्ड्स। फील्ड में पहुंच जाएंगे, यहाँ पे रैंडमली ये गिरेंगे गाइस, कोई हाँ चलिए, आखिरी फ्लोबेरी पीस मिल गया। अभी अगला है ट्रैवल डिस्टेंस विद मैक्स हेल्थ एंड शील्ड्स 100, और फिर ट्रैवल कर लो 100 डिस्टेंस। ये नॉर्मली भी ट्रैवल कर सकते हैं, कार में भी किसी में भी, बस डिस्टेंस ट्रैवल करनी है 100 मीटर्स। अगला है डिसाइफर द सेकेंड ओलंपियन एडिक्ट। रेकलेस रील्स के मेन जहाँ पे ग्रैंड स्टेशन एरिया पे हमें वो मिल जाएगा सेकंड ओलंपियन एडिक्ट। ये सारे रेडी होते हैं, अभी जहाँ पे पोसाइडन स्पॉन होता है उसके पास है ये। तो गाइस अगला क्वेस्ट है एस्केप द स्टॉर्म इन अ व्हीकल। इसके लिए हम पहले ही स्टॉर्म में हो सकते हैं और व्हीकल लेके बाहर निकल सकते हैं, या इजी वे हम कोई व्हीकल में जाके स्टॉर्म में, मतलब व्हीकल लेके स्टॉर्म में जाके वापस आ सकते हैं और फिर स्टॉर्म के बाद, और ये क्वेस्ट भी हो गया। तो गाइस अगला क्वेस्ट है गेट एयर टाइम एंड लैंड इन वाटर। एयर टाइम ले रहा हूँ। तो गाइस अगला क्वेस्ट डिसाइबर द थर्ड ओलंपियन एडिक्ट, ये वाला रिस्टोर्ड रील्स के पास ही है। तो गाइस थर्ड एडिक्ट यहाँ पे है, छोटी सी कैंप साइट के पास, बस इसको कलेक्ट कर लो और ये क्वेस्ट हो जाएगा। तो गाइस अगला क्वेस्ट है सर्च पोटेंशियल होम्स फॉर पीली। तो मतलब ये होम्स ये तीनों है यहाँ पे, मतलब विजिट करना है इनको, बस कुछ अंदर जाके इंटरेक्ट नहीं करना, बस विजिट करके निकल जाना है। तो गाइज ये रहा पहला हाउस, मतलब ये हाउस नहीं ये हिल है। तो गाइज ये रहा पहला हाउस, यहाँ पे प्लेयर भी लैंड कर रहा है। क्वेस्ट के वक्त ही हमेशा ये होता है, वरना ये हाउस पे कोई लैंड ही नहीं करता। ये रहा सेकेंड हाउस, हाउस नहीं बिला ये, या मैंशन नहीं बिला ही है, मेंशन पड़ी होती है सब। तो गाइस ये रहा अगला हाउस, ये फेंसिंग फील्ड्स के ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट साइड पे है, बस ये विजिट करना रह गया और ये क्वेस्ट हो जाएगा। अगला क्वेस्ट है कलेक्ट बनाना ऑफ द गॉड्स फॉर पीली। ये बनाना ऑफ द गॉड्स एक लेजेंडरी रेयरिटी बनाना कंज्यूमेबल है, ये कहीं भी मिलता है मैप पे, चेस्ट में, कोई भी चेस्ट में और फ्लोर लूट पे भी, तो ये मतलब ढूंढना बड़ा इजी है। पर अगर किसी हमने प्लेयर से उठाया एलिमिनेटेड तो वो काउंट नहीं किया जाता, मैं ट्राई कर चुका हूँ। एक चेस्ट से बनाना ऑफ द गॉड्स मिथिक मिल चुका है। अगला क्वेस्ट है डिलीवर अ व्हीकल टू पीली स्टैंड। तो किसी भी लोकेशन पे व्हीकल मिल सकता है और वहां से हमें पीली के टेंट पे लेके जाना है, जो मैप जो रिस्टोर्ड रील्स के साउथ साइड पे है। तो गाइस ये रहा पीली का टेंट लोकेशन, बस यहाँ पे कार डिलीवर करनी है। तो गाइस अगला क्वेश्चन डैमेज एन ओपोनेंट विद इन 10 सेकंड्स ऑफ एग्जिटिंग अ हाइडिंग प्लेस। ये हाइडिंग प्लेस होती है ट्रैश कैन, बस से निकलना है और फिर ओपोनेंट के पास जाके उसको डैमेज करना है। लगता है मेरे 10 सेकंड रन आउट हो जाएंगे तो मैं एक और में चले जाता हूँ बस। एलिमिनेटेड प्लेयर्स फ्रॉम अ कंबाइंड डिस्टेंस, इसका मतलब ये है
मतलब हमें थोड़ी से डिस्टेंस दूर होके करना है, 150 डिस्टेंस दूर होके कर सकते हैं, या फिर ये इन टोटल भी काउंट करता है जितने भी डिस्टेंस हमने एनिमी एलिमिनेट किए। तो गाइज अभी मैं इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ, मैं थोड़ी और डिस्टेंस से उसको एलिमिनेट करूंगा और वो काउंटर के साथ ही जुड़ जाएगा और फिर समझ आ जाएगा आपको। ये देखो अभी ये 100 काउंट किया, अभी सेकंड वाले को करूंगा और 50 और ऐड हो जाएगा काउंटर में। सर रिसीव गिफ्ट्स फ्रॉम आर्टेमिस एंड देन स्पीक टू हर। तो आर्टेमिस मैप के नॉर्थ साइड पे है, लैविशलेयर लोकेशन पर, वो मतलब एकदम बाहर होती है, वो मतलब मैंशन के अंदर नहीं होती, यहाँ पे जहाँ कार्स खड़ी होती है वहां पे ही मिलती है, या फिर वो पाथवे पे। बस उसे टॉक करनी है, मतलब पहले इंटरेक्ट करना है, फिर वो गिफ्ट देती है, और फिर उसके बाद हमें मतलब वो टॉक वाला कुछ करना पड़ेगा। तो बस जाओ स्क्वायर दबाओ ये जो भी वेपन, फिर बस ऐसे कंटिन्यू करते रहो और जब तक होता नहीं है। तो गाइस अगला क्वेस्ट है, ये आखिरी एडिक्ट कलेक्ट करना, यूज अ स्क्राइंग टूल टू टॉक टू सर्बरस। बस यहाँ पे लैंड करना है, इसे यूज करना है जिससे बस टॉक जल्दी जल्दी हम स्पैम करके खत्म कर सकते हैं क्वेस्ट भी। Eliminate anything to see if they took the artifact. इसमें 20 logo, animals, wildlife, किसी को भी eliminate करोगे तो account हो जाएगा। बस 20 eliminate करने हैं। तो चलो guys, ये quest भी हो गया। तो guys देखो ये grassy island पे आना था center पे, यहाँ पे dig up करना है। डॉग टॉय मिला यहाँ से, तो अभी यहाँ पे तो है नहीं, तो अभी दूसरी जगह है ये ग्रेव। तो गाइस ये रही वो ग्रेवयार्ड, बस अभी यहाँ पे वो जगह ढूंढनी है जहाँ से हम डिग अप कर सके, पर यहाँ पे तो बोन्स ही होएगी, टॉयज नहीं होने वाले, आई मीन आर्टिफैक्ट्स नहीं होने वाला, डॉग टॉय था। तो गाइस अगली लोकेशन है वो विंड मिल, जो मतलब वो रिवर स्टिक्स के पास है, ये वाली विंड मिल जो अभी जोन में है, अभी बस वहाँ पे पहुँचना मैंने। देखते हैं पहले है कहाँ पे। तो एकदम उसके पास ही है विंड मिल के पास, देखते हैं इसमें से आर्टिफैक्ट निकलता है, डॉग टॉय है। तो गाइस यूज अ स्क्राइन पूल टू टॉक विद हेडीज वाला क्वेस्ट आ चुका है, उसके लिए स्क्राइन पूल्स पे जाना है, इनकी लोकेशन मैं बता चुका हूँ, बस वहां जाके जल्दी से टॉक कर लेना है और ये क्वेस्ट भी हो जाएगा। तो अगला क्वेस्ट हार्ड होएगा क्योंकि ये है डिफीट सर्बरस टू गेन हिज ट्रैकिंग एबिलिटीज। बस तो गाइस अगला क्वेस्ट है फॉलो द सेंट ऑफ द आर्टिफैक्ट। तो बस अभी प्रेजेंट पियाजा पे आ चुका हूँ, 9 लोकेशंस पे जाना पड़ेगा इन टोटल, या फिर सिर्फ यहीं से फॉलो करना पड़ेगा, देखते क्या होता है। प्लेजेंट पियाजा में ही हमें ये स्मेल को फॉलो करना है आर्टिफैक्ट के। ये एरिया में जाते रहो, हाँ यहाँ पे है एक बॉल आर्टिफैक्ट था, अभी बस सर्बरस डॉग, सर्बरस के डॉग हाउस पे पहुंचना है जो, तो बस यहाँ पे आके ये इसका डॉग हाउस है और यहाँ पे बस रख देनी है टेनिस बॉल। अभी बस अगला क्वेश्चन है यूज अ स्क्राइंग पूल टू टॉक विद ओरेकल, ओरेकल से ही होगी टॉक। पीक विद मेड्यूसा आफ्टर ऑल द स्नैपशॉट्स आर कंप्लीटेड। तो इसके लिए हम सीधा उसके लोकेशन पे जा सकते हैं फेंसिंग फील्ड्स पे, या फिर हम किसी स्क्राइन पूल पे जा सकते हैं। मैं तो बस हमें स्क्राइन पूल के एकदम पास जाना है और फिर ऐसे टॉक कर देना। तो पहला क्वेस्ट है कलेक्टर क्रैकिंग आवर ग्लास, तो ये यहाँ पर होएगा माउंट ओलंपस के, अभी वहां पे लैंड करके दिखा देता हूँ कौन सी लोकेशन पर स्पेसिफिकली। तो गाइस हम ऐसे ब्रेक करके जा सकते हैं और कलेक्ट कर सकते हैं। फाइंड एंड कलेक्ट मेड्यूसास गॉर्गन ब्लेड, तो हमें ये यहाँ मिलते हैं ये वाली बिल्डिंग में, इस पे मार्क लगा देता हूँ मैं, ये छोटी वाली रेड बिल्डिंग। डिस्ट्रॉय 3 बेसिस टू कलेक्ट द गोल्डन फ्ली स्टैच्यूज। तो अगर हम रिक्वेस्ट को ट्रैक कर लेंगे या उस जगह पर लैंड ही करेंगे माउंट ओलंपस पे, तो हमें सारे पहले से ही दिख जाएंगे मैप पे, मिनी मैप पे, या फिर हमारी स्क्रीन पे ब्लू डायमंड शेप्ड ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे, मतलब उनके पास जाना है, फिर हमें वो बेसिस दिखेंगे, फिर हम उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और फिर एक गोल्डन फ्लीस
तो बस हमें ना इनको ऐसे ही डिस्ट्रॉय करना होता है और ये फ्लीस कलेक्ट करनी होती है, लग रहे स्टैचूस, तो बस हमें इनको ऐसे कलेक्ट करना और एक क्वेस्ट हो जाएगा। अगला क्वेस्ट है डिलीवर आर्टिफैक्ट्स टू मेड्यूसा। तो जो हमने अभी तक कलेक्ट किए ये सारे, ये अभी हमने मेड्यूसा को देने हैं। मेड्यूसा फेंसिंग फील्ड्स पे है, मैं ये बता चुका हूँ, तब भी एक बार इन्फॉर्म करना बाकी वो करना ही था। मेड्यूसा एकदम फेंसिंग फील्ड्स के बाहर वाले एरिया में रहती है, जो ये एक्स्ट्रा सा हाउस बना हुआ है या गेट जो भी इसे कह सकते हैं, और बस हमें ऐसे डिलीवर करने हैं। डिफीट मिनियंस टू बाय टाइम फॉर मेड्यूसा। तो गाइस जो ये मिनियंस होते हैं ये हमें किसी बॉस की लोकेशन पर मिल सकते हैं, अंडरवर्ल्ड, माउंट ओलंपस या ब्रॉलर्स बैटल ग्राउंड। अगला है यूज स्क्राइन पूल टू टॉक विद ओरेकल। तो गाइस ये रहा एक स्क्राइन पूल, बस यहाँ पे टॉक कंप्लीट करनी है जल्दी से। तो गाइस अगला क्वेस्ट है डिस्ट्रॉय 3 क्रैकलिंग आवर ग्लासेस टू वीकन ज़ूसेस स्टॉर्म फोर्स्ड आवर ग्लास। प्लीज ये प्लेयर मुझे एलिमिनेट ना करे जो पीछे। तो गाइस ये लोकेशन पे वॉल्ट आवर ग्लास वॉल्ट में है, मैं कह रहा था वॉल्ट आवर ग्लास में। चलो यहाँ पे अंदर जाना है, यहाँ कॉर्नर में आएगा और इसे बस डिस्ट्रॉय कर देना। तो गाइस अगला आवर ग्लास यहाँ पे है, ये रिस्टोर्ड रील्स के एकदम नॉर्दर्न साइड पे है, और बस ये रहा और इसे हमें बस ब्रेक कर देना पिकैक्स से। तो गाइस अगला क्वेस्ट है रिपोर्ट बैक टू मेड्यूसा, मतलब फिर से जाके हमें टॉक करना है, और इस बार हमें टॉक ही करना है, हम ओरेकल का पूल नहीं यूज कर सकते, ओरेकल या ओरेकल। तो गाइस हमें अगेन उसी लोकेशन पे जाना है जब मेड्यूसा होती है, ये रिस्टोर रील्स कह रहा हूँ, फेंसिंग फील्ड्स के बाहर, और बस स्टॉक करना। तो गाइस अगला क्वेस्ट है डैमेज यूसेस बोर फोर्स्ड आवर ग्लास स्टॉर्म फोर्स्ड आवर ग्लास देन डिफीट ज्यूस। तो गाइस यहाँ पे है ज्यूस का बोर स्टॉर्म फोर्स्ड आवर ग्लास, तो इसको हमने डैमेज करना है और फिर ज्यूस को डिफीट कर देना है। फाइनली ज़ूस डिफीट हो गया। अभी अगला क्वेस्ट है रिपोर्ट योर विक्ट्री टू द ओरेकल। ओरेकल हमें सबको पता है स्क्राइन पूल्स पे है, वहां पे हमें बस टॉक करना है, जल्दी भागो बस, कोई और एलिमिनेट ना कर दे मुझे। यू हैव वन अ ग्रेट, फाइनली क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है, बट योर वॉर हैज नॉट येट बिगन। Thank you.